ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह, मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। अच्छा एक सवाल ये है अखिलेश जी, भारत जोड़ो यात्रा को लेके भी कांग्रेस हमेशा कहते हैं कि उससे बहुत फायदा हुआ कांग्रेस को, राहुल गांधी की इमेज बदल गई, जो पप्पू कहा जाता था उनको वो इमेज बदल गई है। आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की इमेज में बदलाव हुआ है, फायदा हुआ है कांग्रेस को? बीजेपी बहुत समझदार पार्टी है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आ जाएंगे। इसको लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जवाब दिया है। यही नहीं, अखिलेश ने राहुल गांधी की इमेज खराब करने को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा है। कांग्रेस का दावा 2024 के लिए मजबूत हुआ है और जो आगे स्टेट्स के चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, वहाँ भी कांग्रेस दावा कर रही थी हमारी बेहतर स्थिति में है हम लोग, तो क्या आपको लगता है कि कर्नाटक के बाद और आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का दावा 2024 के लिए ज्यादा मजबूत होगा? हालांकि राहुल गांधी का केस चल रहा है कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट से स्टे हो जाता है तो आपको लगता है 2024 में प्रबल दावेदार होंगे वो? देखिए, किसी दल के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, चुनाव हारे जाते हैं, जीते जाते हैं, माहौल बनता है, बिगड़ता है, कई बार सरकारें बहुत सारे प्रदेश में होती हैं उसके बाद भी लोकसभा में लोग हार जाते हैं। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 23 तारीख को जब बैठक होगी या उसके बाद भी चर्चा लगातार होती रहेगी, 24 का जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, किस हिस्से में देश के क्या क्या हुआ है वो अलग बात है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ और जनता के बीच में लगातार जाने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा और बदलाव इतना बड़ा होगा कि बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि गर्मियों में लगातार जो बिजली का संकट है इसकी वजह से लोगों की जान जा रही है, गर्मी की वजह से, इतनी तेज धूप की वजह से लोग अगर बीमार हो जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं तो उन्हें इलाज और दवाई नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जान जा रही है, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच रही, अगर घटना हो जाए तो पुलिस समय पर नहीं पहुंच रही। ये अच्छी व्यवस्थाएं जो बनाई थी समाजवादी पार्टी ने वो सब बर्बाद कर दी सरकार ने। तो अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि यूपी से बदलाव होगा बीजेपी का, बीजेपी जाएगी, तो आपको लगता है कि सब साथ आ जाएं तो आसान हो जाएगा आपके लिए बीजेपी को हटाना, या अकेले इस दम पे है समाजवादी पार्टी की हटा सकती है, या सबको सहयोग करें जो बीजेपी को, जो जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं वो समाजवादियों का भी साथ दें? अच्छा एक सवाल ये है अखिलेश जी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी कांग्रेस हमेशा कहते हैं कि उससे बहुत फायदा हुआ कांग्रेस को, राहुल गांधी की इमेज बदल गई, जो पप्पू कहा जाता था उनको वो इमेज बदल गई है। आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की इमेज में बदलाव हुआ है, फायदा हुआ है कांग्रेस को? बीजेपी बहुत समझदार पार्टी है, वो अपनी इमेज बनाने के लिए और दूसरे की इमेज खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है। सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये बड़ा प्लानिंग के साथ बड़े प्रोफेशनल्स को नौकरी पे रख करके और बड़ा आईटी सेल क्रिएट कर करके वो ये काम करते हैं, तो किसकी छवि खराब करनी है और अपनी छवि सुधारनी है? बीजेपी इसी पे खर्चा काम ज्यादा कर रही है। मतलब राहुल की इमेज में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा? देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूं कि मैं किसी की इमेज के बारे में कहूं, क्योंकि बाद में अगर आज कहूंगा आपसे तो पता नहीं क्या कहानी बना देंगे आप, इसलिए मैं अपने ही स्टैंड पर रहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश करती रहेगी। अखिलेश यादव फिलहाल 2024 के गठबंधन में कांग्रेस से इनकार तो नहीं कर रहे, बल्कि अपनी शर्तों पर वो गठबंधन चाह रहे हैं। सैफई से अशोक सिंघल की रिपोर्ट, यूपी तक।